टुडे आई एम स्टार्टिंग दिस सेशन विद कंपनी अकाउंट्स, राइट। सो पहले मैं आप लोगों को कंपनी अकाउंट्स में सबसे पहले मैं कंपनी का डेफिनेशन बता दूं। यू ऑल नो व्हाट इज अ कंपनी। कंपनी के डेफिनेशन के बारे में हर कोई को पता है ना, व्हाट इज अ कंपनी, पता है? तो कंपनी क्या है हम सब जानते हैं, एज पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1। अगर हम लोग बोलते हैं एज पर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट। सो हम क्या बोलते हैं, अ कंपनी दैट इज फॉर्म, द कंपनी इज फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, मतलब एनीथिंग दैट हैज बीन रजिस्टर्ड इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम से हमने रजिस्टर किया अंडर दिस एक्ट। अंडर दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट पहले थी कंपनीज एक्ट 1956, अभी है कंपनीज एक्ट 2013। कल जो मैंने क्लास किया था कंपनीज एक्ट 2013, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं या क्या क्या उसका इम्पैक्ट हुआ है हमारे अभी फाइनेंस में या अकाउंट्स में, उसका क्या इम्पैक्ट है, वो मैंने कल थ्योरी उसकी पढ़ाई थी, ठीक है। तो आज मैं कंपनी का बेसिक्स पढ़ा रही हूँ। सो कंपनी, वी ऑल नो दैट अ कंपनी इज फॉर्मड एंड रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और एनी एग्जिस्टिंग कंपनी, राइट। सो कंपनीज एक्ट डेफिनेशन इज नॉट कॉम्प्रिहेंसिव, हमें समझ में आ रहा है कि कंपनीज एक्ट का जो डेफिनेशन है फॉर अ कंपनी इज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी तरह से डिफाइन नहीं कर रहा है। तो अगर मैं कंपनी को डिफाइन करती हूँ तो हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर द पर्पस of doing business having distinct name and limited liability। ये डेफिनेशन देख के आप लोग को याद आ रहा होगा लॉ का डेफिनेशन। लॉ में सबको ने पढ़ा है, कंपनी कंपनी के बारे में सबने पढ़ा है। इट इज ज्यूरिस्टिक पर्सन हैविंग अ सेपरेट legal entity distinct from members who constitute it, capable of rights and duties of its own and endowed with the potential of perpetual succession। देखो ये जो कॉम्प्रिहेंसिव, जैसे कंपनीज एक्ट का जो डेफिनेशन था ऑफ द कंपनी वाज नॉट वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, वेयर इज आपका जो ये डेफिनेशन है दिस इज वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन, जहां पे सारी चीजें कवर हो जा रही। क्या क्या चीजें कवर हो रही है देखो, एक हो गई कंपनी इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्संस फॉर्म्ड फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस, कोई बिजनेस करने के लिए दो या दो से ज्यादा लोग, यहाँ पे दो चार पांच कुछ कितने भी हजारों लोग फॉर्म कर सकते हैं, बहुत सारे लोग। व्हेन दे आर विलिंग टुगेदर टू फॉर्म एन एसोसिएशन for doing a business, हमारा objective क्या है, to form a company is to do some business, right? Now business will have a distinct name and limited liability. तो हम लोग अगर इसके features मैं अगर define करती हूँ किस तरीके से, ये एक company है जिसमें हम लोगों ने contribute किया पैसा, मैंने लगाया, हम लोग सबने एक business को start किया, तो हम लोग सबको ही कुछ ना कुछ पैसे लगा रहे हैं। तो हमारे कंट्रीब्यूशन के हिसाब से हमने जैसे जैसे पैसे लगाए हैं इस कंपनी में, उसके हिसाब से हमारी प्रॉफिट शेयरिंग, हमारा रेशियो सब कुछ तो उसके हिसाब से ही रहेगा ना। जैसे मैंने अगर 50,000 लगाए हैं और तुमने 1,00,000 लगाया, किसी ने 2,00,000 लगाया, किसी ने 3,00,000 लगाया, तो हमारा जो रेशियो रहेगा वो इट वुड बी अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट दैट वी हैव मेड, हमने जैसे कैपिटल इन्वेस्ट किया है उसके हिसाब से हमारा रेशियोज भी रहेगा ना ऑफ शेयरिंग द प्रॉफिट। तो जैसे प्रॉफिट शेयरिंग की रेशियो रहती है वैसे लायबिलिटी भी वैसी ही रहती है हमारी। देखो इट हैज गॉट अ डिस्टिंक्ट नेम, कंपनी हैज गॉट अ डिस्टिंक्ट नेम, हमेशा याद रखना कंपनी, हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बार बार पढ़ाया है आप लोग को। व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है, एज पर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट
member has got separate entity apart from its company, or rather we can say a company has got a separate entity apart from its member. Matlab member, these are the members, they have got separate entity, and this is the company, it has got separate entity. Both are not combined in nature. अगर मैं बात करती हूँ ये member की, suppose इसने सिर्फ 1 लाख रुपए इस business में लगाए, इसके हजारों हजारों assets हैं, बहुत investments हैं और बहुत सारी companies हैं, ठीक है, तो वो इसका separate है, इसका balance sheet में भी 1 करोड़ का turnover दिखा रहा है, ठीक है, but और ये business हो सकता है maybe only 10 लाख का turnover दिखा रहा है, छोटी सी company. So this and this are not same. इसकी identity अलग है, इसकी identity अलग है. This is business entity concept, right? Going concern concept. Going concern concept क्या मानता है? A business will continue to survive irrespective of its owner. ये मान के चल रहे ना कि business जो है वो चलने के लिए ही हुआ है. अगर ये चला गया business से, तो क्या business बंद हो जाएगा? इसकी जगह पर इसका share वो किसी और को बेच, हो सकता है इसको ये अपने share इसको बेच दिया. तो business will continue to survive. या हो सकता है कोई बाहर वाला आके purchase कर लिया इसमें shares, इसने बेच के चला गया. So देखो कंपनी के डेफिनेशन से ही हमें ये दो दो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाते हैं, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट. समझ में आया? कहीं कोई प्रॉब्लम है बिजनेस एंटिटी और गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में? मैं एक बार गोइंग कंसर्न का बोलिए ना. देखो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मतलब सिंपल, अ बिजनेस हैज गॉट सेपरेट एंटिटी अपार्ट फ्रॉम इट्स ओनर. समझ में आ गया? बिजनेस और उसका जो ओनर है इन लोग अलग अलग है, ये है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. तो वैसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बताता है? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट मान के चलते हैं कि बिजनेस विल कंटिन्यू टू सर्वाइव इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स ओनर्स और मेंबर्स. मतलब अगर ये एक एक मेंबर है, सपोज ये इससे बिजनेस से एग्जिट हो गया, यहाँ से पैसे निकाल गया, इसका मतलब क्या है? ये बिजनेस बंद हो जाएगा? बिजनेस विल कंटिन्यू टू सर्वाइव, जैसे वो चल रहा था वैसे ही चलेगा. तो ये अगर यहाँ से पैसे डाइवेस्टमेंट कर रहा है तो कोई और घुस जाएगा उसकी जगह पर. अगर एक आदमी रिटायर होता है तो ऐसा नहीं कि कंपनी बंद हो जाती है, उसकी जगह पर कोई और आ जाता है. बिकॉज कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. देखो ये डेफिनेशन में ही मैंने दिया है, कंपनी हैज गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स हु कंस्टिट्यूटेड. तो मेंबर्स आर सेपरेट एंड बिजनेस इज सेपरेट, बोथ आर नॉट कंबाइंड इन नेचर, राइट? इट इज केपेबल ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ इट्स ओन एंड एंडोर्ड विद अ पोटेंशियल ऑफ परपेचुअल सक्सेशन. तो देखो ये सेपरेट लीगल एंटिटी, ये जो कंपनी का डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बताया, इस डेफिनेशन में ये जो सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट है, इसे हमें समझ में क्या आया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट यहाँ से मिल गया हमें. और ये जो टर्म है परपेचुअल सक्सेशन, यहाँ से हमें गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट समझ में आया. याद रहेगा इस डेफिनेशन से? यस मैम. तो मैं इसको हटा दूं? तो चलो अभी मैं फीचर्स बता देती हूँ कंपनी के. कंपनी के फीचर्स क्या क्या हैं? कंपनी के फीचर्स, सबसे पहला फीचर्स क्या है? वी ऑल नो दैट द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फीचर्स हमें जो पता है क्या है, अगर कंपनी के फीचर्स की बात करें, फर्स्ट इट इज अ व्हाट? इट इज अ वॉलंटरी एसोसिएशन. वॉलंटरी मतलब क्या हो गया? ये जो है अपनी इच्छा से हम लोग यहाँ पर एसोसिएट हो रहे हैं, यहाँ पर किसी को जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई बंदूक दिखा के नहीं बोल रहे हैं. सो इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन, इट्स अ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन. पीपल आर ऑर्गेनाइज बाय देमसेल्फ, वो अपनी चॉइस के हिसाब से एसोसिएट हो रहे हैं. कोई इनको बोल नहीं रहा जबरदस्ती कि आपको यहाँ पे ज्वाइन होना ही है, ऐसा है क्या जबरदस्ती? ऐसा तो कुछ नहीं है. सो इट्स अ वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर डूइंग अ बिजनेस, ठीक है, ये हो गई सबसे पहली चीज. इसके बाद हो गई लीगल एंटिटी. दिस इज अनदर फीचर ऑफ अ बिजनेस. हमें पता है इट्स अ लीगल एंटिटी. बिजनेस हैड गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़े. सो इट्स अ लीगल एंटिटी, ठीक है. फॉर्मेशन, कंपनी इज अ लीगल पर्सन दैट एग्जिस्ट इन द आई ऑफ लॉ. सो इट हैज टू बी फॉर्मड एज पर द कंपनीज एक्ट, राइट? इट हैज टू बी फॉर्मड एज पर एनी कंपनी एक्ट दैट इज इन एग्जिस्टेंस. तो जैसे अभी कंपनीज एक्ट 2013 एग्जिस्टेंस. परपेचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील, अ कंपनी मस्ट वर्क्स अंडर अ कॉमन सील. कॉमन सील मतलब क्या हो गया? उसका एक अलग आइडेंटिटी है, उसका अपना एक नाम है. सो इसलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं? अ कॉमन सील. सो इट इज वर्किंग अंडर अ कॉमन सील. ये एक हो गई कॉमन सील की बात. सो इट्स सिंस इट इज वर्किंग अंडर अ कॉमन सील,
तो ये कॉमन सील से ही हमें समझ में आ गया कि मेंबर्स आर डिफरेंट, मेंबर्स आर डिफरेंट एंड द कंपनी इज डिफरेंट. जैसे मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, आईटीसी, आईटीसी इज अ कंपनी. अब आईटीसी कंपनी में हजारों करोड़ों कितने शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट करके रखा है, बट आईटीसी इज वर्किंग अंडर इट्स कॉम. उसके कुछ प्रमोटर्स हैं जिनके पास, जो आईटीसी कंपनी के ग्रुप ऑफ जो ओनर्स हैं या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जिनके पास मैक्सिमम शेयर जो होल्ड करते हैं, जो प्रमोटर्स हैं बिजनेस के, उनके पास मैक्सिमम शेयर्स हैं. बट दे आर ऑल्सो सिंस इट्स अ लिमिटेड कंपनी नाउ, बट द कंपनी इज नॉट वर्किंग अंडर देयर नेम. वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर काम नहीं कर रहे, काम किस पे लेकर कर रहे, काम जो ब्रांडिंग हो रही है कैसे हो रही है, काम हो रहा है आईटीसी के लोगों को लेकर, आईटीसी का ब्रांड है. सो कॉमन सील क्या है, दिस इज द ब्रांड इन विच द कंपनी वुड वर्क ऑन. और परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन मीन्स इट विल कंटिन्यू टू सर्वाइव. एकदम मान के चल रहे हैं कि चलते रहेगा, चलते रहेगा. परपेचुअल मतलब क्या होता है, तुम लोग कैसे दिखाते हैं परपेचुअल, वो चलते रहना, ठीक है. इस तरीके से ही परपेचुअलिटी भी दिखाते हैं, कंटिन्यू आते रहेगी, ठीक है. सो यहाँ पे क्या, आईटीसी का ब्रांड इट विल कंटिन्यू, हम मान के चल रहे हैं इट विल कंटिन्यू. एक मेंबर आता है नया, एक मेंबर आया, एक मेंबर छोड़ के चला गया, ठीक है. सो इसके ब्रांड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, द कॉमन सील विल नॉट हैव एनी इंपैक्ट, इट विल कंटिन्यू, राइट. ये हो गया. इसके बाद वाला फीचर हमारी लिमिटेड लायबिलिटी. As we all know, we are working under a common seal. It has got a separate legal entity. So, यहाँ पर limited liability का concept क्या आ जाता है? Limited liability इसलिए है because we are investing as per the proportion. हमारे अपने proportion के हिसाब से हम उसमें investment कर रहे हैं. तो जैसे हम investment करते हैं, we are getting the return in proportion to our investment only. तो जब हमारी right होती है, our rights and liabilities both. Both will be in proportionate to the investment that we are making, right? जैसा हम investment कर रहे हैं business में, उस proportion में ही तो मेरा rights है कि मैं profit उस हिसाब से enjoy करूंगी. Same way मेरी liability भी उस proportion में ही रहेगी जितना मैं लगा रही हूँ पैसे, right? जैसे मैंने अगर मेरा ratio अगर 50% का है, तो मेरी liability भी 50% की और मेरी profit की हिस्सेदारी भी 50% है. मुझे bonus भी 50% पे मिलेगा, ऐसा नहीं कि मुझे 60% मिल जाएगा. So simply, it's a limited liability concept means I'm liable only for my ratio. मैंने जितना पैसे लगाए, ठीक है. अब क्या है, transferability of shares. Now transferability of shares take place only in case of public company. Actually, company को जब हम बात करते हैं, normally जब हम company के सिर्फ कंपनी कहकर बोलते हैं ना, define करते हैं, तो we generally discuss about public limited company only. पब्लिक लिमिटेड कंपनी वो कंपनी है जिसमें पब्लिक के पैसे लगे हुए हैं, राइट. दो तरह की कंपनियां होती है, एक होती है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विच बाय इट्स नेचर इज प्राइवेट, दैट मीन्स इट कैन नॉट रिजॉर्ट टू पब्लिक फॉर मीन्स इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, और इट कैन गो फॉर कैपिटल इश्यूज. वो कैपिटल कलेक्ट नहीं कर सकती, मार्केट से पैसे रेज नहीं कर सकती, दे कैन नॉट रेज फंड फ्रॉम द पब्लिक. So, वो प्राइवेट कंपनी है. बट पब्लिक कंपनी कैन रिजॉर्ट टू पब्लिक एंड दे कैन गो फॉर अ पब्लिक इश्यू फॉर रेजिंग ऑफ कैपिटल. मुझे पैसे की जरूरत है, मैं मार्केट से रेज कर सकती हूँ कैपिटल, ओनली इफ आई एम अ पब्लिक कंपनी. सो पब्लिक कंपनी में यही होता है कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स एक्जिस्ट, मतलब मैं अपने शेयर्स को आसानी से आपको बेच दी, आपने अपने शेयर दूसरे को बेच दिए. सो दिस ट्रांसफरेबिलिटी एग्जिस्ट ओनली विद दी कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पब्लिक कंपनी ओनली, ठीक है. अब आ गया जो लास्ट पॉइंट, दैट इज सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट. एज वी आर डिस्कसिंग दैट दिस इज अ पब्लिक कंपनी, यहाँ पे पब्लिक कंपनी जब है तो यहाँ पर क्या होता है, इसको मैं अच्छे से समझाती हूँ. ये वाला पॉइंट जो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, मैं ये जो पढ़ा रही हूँ आप लोग को, ये है अकाउंटिंग की बुक बीबीए वाली, बीबीए की बुक है पेज नंबर 280, इसका स्टडी मटेरियल का 280 पेज नंबर, ठीक है. सो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, देखो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट क्या बता रहा है, ये एक कंपनी है, राइट. अब ये कंपनी का हमने पहले ही बताया था कि जो प्रोमोटर है, ही इज प्रोमोटिंग द बिजनेस. नाउ ही इज प्रोमोटिंग द बिजनेस, ही रिक्वायर्ड सर्टेन एडिशनल अमाउंट ऑफ मनी, फॉर दैट ही रेज्ड मनी थ्रू आईपीओ. जब आईपीओ से वो रेज किया, तो यहाँ पे उसने अपनी कंपनी के हिस्सेदारी कुछ बेचे ना इक्विटी शेयर्स के रूप में. तो यहाँ पे इक्विटी शेयर होल्डर्स जो हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टिंग हियर, मोर एंड मोर इक्विटी शेयर होल्डर्स आर इन्वेस्टिंग मनी, राइट. सो नाउ ये जो इतने प्रमोटर का मे बी इतना परसेंट है,
इतना परसेंट इज ओनली प्रोमोटर्स राइट नाउ एंड ही हैज सेल द रेस्ट टू द इक्विटी शेयर होल्डर. ये जो पोर्शन है वो इक्विटी शेयर होल्डर को बेच चुका है राइट. अभी जो इक्विटी शेयर होल्डर है दे आर एक्चुअली द ओनर ऑफ द कंपनी. बट यहाँ पर क्या है ओनर इक्विटी ओनर जो है वी आर परचेजिंग द इक्विटी शेयर्स इन वेरी स्मॉल स्मॉल यूनिट. मे बी मैंने 2 शेयर खरीदा आपने 5 शेयर खरीदा क्योंकि इक्विटी के जो स्टॉक्स है वो तो मार्केट में ट्रेडिंग हो रही है तो हम लोग आराम से खरीद सकते हैं 2 स्टॉक हो 5 स्टॉक हो कितने भी चाहे तो हम लोग खरीद सकते हैं. तो जब हम इक्विटी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हम लोग छोटे छोटे मे बी हम लोग छोटे छोटे पर बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स हो गए मैं तो बहुत सारे स्टॉक होल्डर्स हो गए. तो अगर देखा जाए तो एक्चुअल ओनर्स हम लोग हैं इस कंपनी के. मे बी मैंने 10,000 रुपए लगाए बट आई एम दी ओनर ऑफ दिस कंपनी. मैं ओनर हूँ या मुझे आप इक्विटी होल्डर बोल दो या इन्वेस्टर आपको भेज दो. अच्छा मैं आपको भेज देती हूँ. अच्छा एक मिनट हाँ Yes.